हैदराबाद में पशु चिकित्सक के साथ हुई हैवानियत के बाद देश के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। खासकर महिलाओं को लेकर हेल्पलाइन नंबर 112 यानी कि 112 हर आपातकालीन परिस्थिति में मददगार साबित हो सकता है। भारत में एकल आपात नंबर 112 की शुरुआत की गई है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नंबर है, जिसका लक्ष्य आपात परिस्थिति में तत्काल मदद उपलब्ध कराना है। अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो इस नंबर को डायल करके आप मदद ले सकते हैं। इस आपातकालीन नंबर से पुलिस, फायर ब्रिगेड जैसी किसी भी आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए 112 नंबर डायल किया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि सभी मोबाइल फोनों में एक पैनिक बटन पहले से ही बनाया गया है, जिसे किसी आपात स्थिति में 112 पर कॉल करने के लिए क्रियाशील किया जा सकेगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने जो आपात प्रतिक्रिया केंद्र ईआरसी गठित किए हैं, वे 112 से वॉइस कॉल के जरिए पैनिक सिग्नल, राज्य के ईआरएसएस वेबसाइट पर संदेश या 112 मोबाइल ऐप संदेश प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब इसी के साथ ही अब हम जानते हैं कि 112 ऐप का आप कैसे उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर से 112 इंडिया डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 1 टाइम पासवर्ड यानी कि OTP देना है, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। साथ ही आप इसमें 10 इमरजेंसी नंबर भी दे सकते हैं और पैनिक बटन को भी इमरजेंसी के लिए सेट कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि 112 आपातकालीन नंबर पुलिस, फायर ब्रिगेड जैसी किसी भी आपातकालीन आवश्यकता के लिए 112 नंबर डायल किया जा सकता है। 24/7 ERC काम करती है। आप किसी भी समय मदद के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 112 पर वॉइस कॉल, SMS, ईमेल और पैनिक बटन को क्लिक करके भी आप मदद ले सकते हैं। आइए इसी के साथ अब हम समझते हैं कि 112 नंबर आखिर काम कैसे करता है। जैसे ही आप इमरजेंसी में पैनिक बटन पर क्लिक करते हैं तो एक इमरजेंसी कॉल ERC पर डायल होगा, जो पैनिक बटन दबाने वाले की लोकेशन भी शो करेगा। साथ ही यह सूचना आपके परिचित इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर वॉलंटियर्स को जाएगी और उस स्थान के सबसे करीब पुलिस सेवा से संपर्क करके लोकेशन शेयर किया जाएगा और आपके पास तुरंत मदद पहुंच जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि आप किन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर महिलाओं के साथ कोई छेड़खानी कर रहा हो या फिर किसी प्रकार का खतरा लग रहा हो, पुलिस की मदद के लिए 112 नंबर डायल किया जा सकता है। घर, दुकान या आसपास आग लग गई हो तो भी इसे तुरंत फायर ब्रिगेड बुलाने के लिए भी 112 नंबर पर कॉल किया जा सकता है। घर या बाहर जान का खतरा है तो इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया जा सकता है। किसी भी प्रकार के अपराध की शिकायत के लिए पुलिस की मदद के लिए इस पर कॉल किया जा सकता है। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया हो तो तुरंत इमरजेंसी सर्विस के लिए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं।